अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसी हूँ? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ, आप भी ठीक होंगे? अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आपका? सब लोग ठीक ठाक हैं। जिस तरह ही आप लोग टीवी अपने रूम से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले तो खोलनी होती है विंडोज, क्योंकि घर में बाहर जो हबस में भी हीट हुई भी होती है। बाकी पहले विंडोज खोलते, लेकिन आज मौसम बाहर इस तरह का बना है कि हवा नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन बादल आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम निमरा, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो, पक्की बात है। इंदे नाल दिल लगा है, बहुत ज्यादा इंदा बरस बहुत लगा है, बहुत लगा है। ये मुझे कहीं जाने ही नहीं देते। और क्या, हम तो कसम से इसको डांट डांट के कहते हैं, सानू प्यार कर, ऐसे निमरा छोड़ देना। पहले हम लोग ये कहते कि आज हमारे पास हम प्यार करते, नहीं तो निमरा छोड़ देना। अब तो सही बात है, ये भी कहना छोड़ दिया, उन्हें कहने तेरी मेहरबानी आ जाती, प्यार कर लिए। नहीं आती, नहीं आती, ये वाली विंडो भी खोल लेते ताकि हवा की क्रॉसिंग जो है वो ठीक बन जाए। अक्सर वो वाली विंडो खोल देना जरा ना, मतलब थोड़ी देर के लिए। इधर पता नहीं कहाँ जाने की तैयारी चल रही है, कितने जान लगे हो हैं? तैयार हो रही है, बैठी तैयार हो रही है निमला के हाथ से। क्या बात है इसकी, पार्क जा रहे हैं सुबह, खाना पीना कुछ भी नहीं, पार्क चले जाओ। मजे की बात ये कि निमरा ने इसको रात को सोते हुए कहा था कि हम सुबह उठ के पक्का पार्क जाएंगे। निमरा यही बात बनी थी, और अब ये कह रही के बाद इसको याद है उठते सारे। मुझे ये बताएं आज नाश्ते में क्या मिलेगा? आज मिलेंगे आपको ब्रेड तो नहीं है, पराठे ही बनेंगे आज। पराठे ही खाने? हाँ, मैंने वो कहा था एग बनवाने, एग हाँ एग भी बना दे साथ, पराठा एक एक ही बनाना। वैसे साथ दाल माश भी पड़ी हुई, मैं दाल खाऊंगी। निमरा कह रही दाल खाऊंगी, तू कह रही कि मैं दाल खाऊंगी, तो कह रही है क्यों, उसकी मर्जी है, वो दाल तो खा ले, दाल भी ना खाए। अच्छा आप दूध पियो, निमरा ने दाल खानी हो, भी तेरे नाल दूध पिए। ये अक्सर तरबूज के छिलकों वाला शापर तैयार करके दिया कि जाकर फेंक के आए। मैं टेरेस पे मौसम देखने की बात कर रहा था, यहाँ से मौसम सारा नजर आ जाएगा। मौसम है तो अच्छा, लेकिन बारिश हो कोई नहीं रही। सही बात है, इतने ज्यादा बादल बनने के बावजूद भी जो है ना हवा में जो सी ना, अब हीट है। पहले होता था कि बारिश हो जाती थी, मौसम अच्छा हो जाता था, लेकिन अब वो वाले सीन गुजर गए। आपके मजे हैं, आपको तो जल्दी जल्दी नाश्ता बन के मिल जाता है। हम भी एक एक फीडर लेके आते हैं, क्योंकि अब इसका दिल यही है, इसका दिल यही है। ये उड़ा भी छोड़ देना, चाय पत्ती भी आनी है, ब्रेड भी आना है, शैम्पू भी आना है, एग तो है। अच्छा, दूध जो है दूध का भी एक डिब्बा है। अच्छा, और ये काफी चीजें आने वाली है, बता रही हूँ आपको। निमरा यहाँ से झाड़ू वगैरह लगा रही है, और आयशा ने पीछे खड़ी होगी चेक कर रही है, सारा झाड़ू ठीक लगा है? बिल्कुल ठीक लगा हुआ झाड़ू, पक्की बात है। बसी लाल ये तो पता नहीं ठीक नहीं, इधर से गा दे, उसने वैसे गंदा भी लगा दिया। हाँ बिल्कुल ठीक लगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ घर क्या रही है। जब ये छोटी सी थी ना, तो अलीपुर गोरमे से मैंने इसको ये वाला ला के दिया था, ये वाला टॉय। ये किसका टॉय है? बरल निमरा ने यहाँ से जो है झाड़ू वगैरह बहुत सारा लगा दिया, रूम में से भी, टीवी लॉन्च में से भी, हमारे रूम में से भी। और अक्सर का पराठा जो है पहला मेरे ख्याल से ऊपर जाने लगा, बिस्मिल्लाह पढ़ के पहला पराठा है। चलो जी, ये पराठा कौन से वाला है, सादा के बालों वाला पराठा? सादा यार, बाल वाला पराठा बना दे, इतने वाल डाल दे इसको, इतने वाल डाल दे कि मैं पूरी जिंदगी वाल ही ना खोल सकूं। जलेबी पराठा बना दे जी। हो गया हूँ मैं पीछे, अपनी जगह पे वापस आने लगी, क्योंकि पता चल गया निमरा आ गई किचन में, तो अब मैं दोनों को यहाँ से खड़े होकर देखती रहूंगी। मुझे कह रही पीछे हो जाए यहाँ से। मैंने अंदर फैन ऑन किया कि बाहर से शायद थोड़ी सी ठंडी हवा अंदर आ जाए, क्योंकि बादल बने हुए हैं, और ये यहाँ पे आके खड़ी होके ना फैन की हवा ले रही है। दूसरा सही बात है, जब से हमारे घर ये आया ना बुधवाने, वाटरमेलन तरबूज यहाँ से निकालते हैं, या कुछ ना कोई ड्रॉप गिरे होते हैं। निमरा बस यहाँ यहाँ मट्टी लग जाती है, यहाँ पे हल्का हल्का मॉप लगा देते हैं, वहाँ पे ना हल्का सा मॉप लगाना पड़ेगा, तो मैंने कहा चलो मैं ही निकाल के ले जाता हूँ। निमरा कह रही है मॉप ना मैं एक दफा पूरा ही लगा देती हूँ हल्का हल्का, वो जिस तरह मॉप लेके जा रही है उसके पीछे पीछे जा रही है। चाय तो इधर हो गई है बिल्कुल रेडी, रेडी है चाय? हाँ, रेडी हो, चाय रेडी है, और पराठा जो है एक बन गया। कितने पराठे बनाने हैं? तीन ही बनाने हैं, आप ही कह रहे हैं एक ही खाना है मैंने। बहरहाल ये तो अभी मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक पराठा खाना है, पता कोई नहीं एक पराठा खा के मेरा दिल कर रहा होगा मैं एक और पराठा खा लूँ। मेरा यहाँ पे मॉप वगैरह जो है लगाने लगी है, सबसे ज्यादा बस यहाँ पे आपको ड्रॉप्स नजर आ रहे होंगे, बाकी तो फिर भी गुजारा। हाँ बाकी फिर भी गुजारा चल ही जाए, लेकिन इमरा कह रही है लगा दो, चलो अच्छा है कि सारा साफ हो जाएगा। कितने? तीन एग निकाल दो। अच्छा निमरा ने दाल माश खानी है, फिर हम एक ना काम करें तो फिर एक एग सिरप बना लें, एक एग काफी, एक बना लें, ये रहने दें, दाल ही खाते हैं। एग का फिर जो प्लान है वो कैंसिल हो गया, तो अक्सर कहती है आप ना दाल निकाल के ना उसको माइक्रोवेव में गर्म कर लें। अक्सर बोल लें पेंसिल अंडा कैंसिल। हाँ कहा जितनी देर में अभी अक्सर नाश्ता वगैरह रेडी कर रही है, बस हो तो गया रेडी, लगाने वाला रह गया, मैं उतनी देर फिश का पानी चेंज कर देता हूँ। हाँ जी आप फिश देखने आई है यहाँ पे?
किधर गई आपकी फिश? बाउल जो है वो थोड़ा सा हुआ खराब, क्योंकि मट्टी वगैरह चलती रहती है ना आंधी वगैरह, उसकी वजह से गंदा हो जाता है। एक हाथ से व्लॉग बना रहा हूँ, एक हाथ से फिश लेके जा रहा हूँ। मैंने तक नाश्ता लग गया हुआ है, दाल गर्म हो गई तो वो भी निकाले। हाँ जी मैंने भी चाहिए। क्यों उधर क्यों पी है? पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता। खींचे खींचे खींचे, ओए यहाँ पे जी हम फ्रेश हो रहे हैं, चेक करें जरा। ब्रश पकड़े हुए सारे अक्सा के और फ्रेश हो। ये आई कैसे कैसे हाथ आ गई आपके हैं? मैंने कहा टॉवल गीला किया है, मैंने कहा आओ आपका फेस साफ करूं तो आ गई हाथ। असल में हुआ तो इस तरह ना कि अभी निमरा को आए, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन हुए हैं, तो इसका बस दिल है कि मैं ना 24 घंटे निमरा के पास रहूं। अब जो उनसे अक्सा के पास आनी शुरू हो गई है, मेरे पास भी आना शुरू हो गया। अब इसको पता है कि नहीं निमरा इधर ही है। पहले इसको पता है क्या था अक्सा, कि ये पता नहीं 2-3 दिन के लिए आई है, इसने चले जाना है, मैं इसके साथ चिपक लूं जितना चिपक। निमरा लोग पहले आई थी ना और चली गई थी, इसको यही लगा। जाओ खाला से पूछ के आओ, आपने इधर ये भी रहना ना मेरे पास, जाओ पूछ के आओ खाला से। जाओ पूछ रही आगे प्ले लैंड जा रहा। अभी ना घर में कुछ चीजें वगैरह खत्म हुई थी, बस जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल सोप शैम्पू किचन की जो कुछ ग्रोसरी वाली चीजें थी वो लेके आनी है। अच्छी खासी तेज आंधी आ गई है। निमरा करी शीशे खोले। बात है आंधी इतनी तेज चल गई, आते हुए मैं कह रहा था शीशे रहने दे, बंद नहीं करते, खुले रहने दे, कौन सा कोई मसला है। जिस तरह बाहर निकले घर से साथ ही आंधी चल गई है। शुक्र है बंद हो गए हैं। और बाहर का जरा माहौल चेक करें, ऐसे लग रहा है सर्दियां आ गई, धुंध हुई है बाहर, हालांकि मिट्टी है। मैं तो बेचारे ये बाइक वाले का सोच रहा हूं इसके साथ क्या सिचुएशन बन रही होगी, इतनी जितनी मिट्टी उड़ गई हुई है। मुझे ये वाला रोला था कि मुझे चीजें ना जाके भूल जाए, वैसे तो मैं लिख भी सकता था, इतनी कोई बात नहीं थी, लेकिन मैंने कहा आप लोग भी साथ ही चलो। ये वाले सोप, अब तो गर्मियों वाला मौसम आने वाला, सोप जितना ठंडा करने वाला वो ज्यादा बेहतर है। अभी हम लोग शैम्पू ढूंढ रहे हैं, शैम्पू 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 लाइफ बॉय। इतनी बड़ी बॉटल तो नहीं, ये तो बहुत बड़ी बॉटल है। अन्ने 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 ये तो एक ही पड़ी है पीछे, इतनी पड़ी हुई है। मैं कह रही हूं फिर दो ले ले, ये ठीक है ना, ये काफी है। बाकी सारा खत्म हो गया, खत्म हो गया है। निकाल ले फिर ये वाला पैकेट। निमरा सही जुगते मार रही है मुझे, ये छोटा सा पैकेट ले, इतना बड़ा क्यों है, रहने दो भाई। तो सही बात है, दिल कर रहा है कि बस ना जो भी है ना बड़ी बड़ी सारी चीजें ले जाए। नूडल्स लेनी है, चाय पत्ती लेनी है, चाय पत्ती पहले, चाय पत्ती कौन सी, ये वाली जेली प्रोग्राम भी चल रहा है। ये जेली है तो मुझे घर से निकलते नहीं थी बताई, जेली बस अब प्रोग्राम बन गया। वैसे जिस तरह निमरा आई है ना पत्ती ये होनी चाहिए। ये वाली पत्ती ये छोटे छोटे पैकेट, ये छोटे छोटे हैं। अच्छा नूडल्स के पैकेट ये 2 पड़े हैं, एक तो ये बड़े वाला है, इसमें मेरे पास 8 है। हाँ बड़ा बड़ा ये फैम, एक ही काफी अभी, एक ही। और ये वाला छोटे वाला है, छोटा नहीं ये वाला बड़े वाला का। एक मिनट तो ये ट्राई करवा, फिर इन्हें नूडल्स ना कर छड़नी। इससे ज्यादा बेहतर जोन से ना आपने ये वाला पैकेट उठाया, ये वाला ठीक है, एक ये गाड़ी में रख लेंगे और एक ये घर के लिए ले लें, ठीक है। किचन के लिए, किचन के लिए पड़े हुए हैं। बेबी वाइफ का पैकेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन प्राइस नहीं ऊपर मेंशन, नहीं मेंशन। दूसरा ये अक्सर आपके लिए ये चीज बहुत काम की है, पूछे क्या, मक्खियां मच्छर मारा करना बैठ के। एक निमरा को ले देता हूँ, एक आपको ले देता हूँ। मैं इसलिए छोड़ दिया था, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये लेने लगा था इसलिए छोड़ दिया था कि अभी छोटी है ये, इसको समझ नहीं आई कि इसके साथ क्या करना है। वो ये वैसे इसके साथ वो बैंड शैंड बन जाते हैं, ये वो इस तरह की चीजें बनती हैं। यहाँ पे सारे हेयर ब्रश लगे हुए हैं, इनमें से मुझे सारों में से जो मुझे पसंद आया ना हेयर ब्रश, मैंने थोड़ा सा यूज भी किया, ये वाला बहुत प्यारा, इसका कलर भी प्यारा है। हम लोग घर आ गए वापस, वो वाली विंडो हमने नहीं खोली, वहाँ से ज्यादा मट्टी आती है, जो हमने कहा ये वाली खोले तो कोई बाहर ताजी हवा है, हम भी 2 मिनट खा रहे हैं। आंधी आती है, ज्यादा मट्टी आती है, फिर जब कम आंधी आती है फिर कम मट्टी आती है। तो बहरहाल जी अभी हम जो ग्रोसरी की चीजें लेके आए हैं वो तो आप लोगों को साथ साथ हमने दिखाई दी है, ब्रश वगैरह है, ये हम कॉर्नफ्लोर लेके आए अक्सर, उसके बाद और दूध का डिब्बा लिया, इतनी सी चीजें ली हैं, मतलब के महंगाई के हालात यहाँ तक है, एक पत्ती का बड़ा वाला डिब्बा लिया लिप्टन का, ठीक है, और दूसरा एक ब्रश लिया है। इन 2 चीजों के जो से पैसे ना 1050, ये देखे ये 2 चीजें हैं, ये कितने की हैं जी, 1050 की। बंदा कोई पुराने दौर में चला जाए ना उनको कहीं 1050 चपेटे करानी है आगे से, ये चीजें 2 1050 की आती है। हमारा जो पहले वाला ब्रश था ना वो बन गया हुआ था आरा, मतलब उसको थोड़ा सा फेंक मारा ना तो बंदे की टेंट वहां से रह जानी, कुछ टिश्यू लिए, ये मेरे ख्याल से अक्सा ने लिया किचन के लिए, ये किचन के लिए लिए हैं, और ये 2 एक गाड़ी के लिए, गाड़ी में तो रखा ही नहीं हमने, और ये नूडल्स के पैकेट लिए हैं आयशा के लिए, अक्सा के लिए और निमरा के लिए। मेरा इतना कोई नूडल्स खाने का ज्यादा दिल नहीं करता, मैं कहता हूँ अक्सा बना दे लेकिन मैं फिर खाता कोई नहीं। फिर नूडल्स नहीं खा रही आप, खाने नूडल्स खानी है? मैं नहीं खानी है। जिस तरह की व्हाइट कलर का कपड़ा है ना, मैं तो कहता हूँ आयशा की फ्रॉक सी दे, 95 रुपए में फ्रॉक तैयार हो जाएगी, 100 रुपए का ये भी मार्ट की फ्रॉक। ये 100 रुपीज का है ये बैग, और वो वाला बैग जो उधर पड़ा है ये उठा के दोनों बैग दे मैं गाड़ी में रखूं। और हमेशा हम भूल जाते जब ग्रोसरी करने जाते ना। बाकी जी आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अक्सा को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ये सामने इंस्टाग्राम अक्सा का आ रहा है, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दीजिए फिर इजाजत, अल्लाह हाफिज़।